You're watching FTV, entertainment that extends to everyone. Hi, hello, namaskar, vanakkam, sat sri akal, annyeong, assalamu alaikum, and your loving Akash is back on FTV with a fresh video of a fresh movie which is going to be launched in 2018. और मैं आज हिंदी में बात करने वाला हूँ क्योंकि थोड़े सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि भाई थोड़ा हिंदी में भी वीडियो बनाया करो, तो मैंने सोचा कि जो बॉलीवुड मूवीज है उसका दोनों अंग्रेज में और हिंदी में दोनों रिव्यूज जो भी है मैं बनाऊंगा। तो आज का अपना मूवी है जीरो। पता है जीरो नाम सुनते आपको लगता हुआ कि भाई ने क्या बात कर रहे, क्या जीरो क्या है। यस, जीरो एक शाहरुख खान का मूवी है। हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित एक आगमी 2018 भारतीय कॉमेडी फिल्म और आनंद एल राय द्वारा निर्देशित किया गया है। प्रमुख भूमिकाओं में शाहरुख खान और कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा शामिल है। यहां सहयोग का पहला लक्षण है कान और राय और कान, कैफ और शर्मा के बीच दूसरा सहयोग जब है जीवन में एक साथ दिखाई देते हैं, जब तक वे एक साथ दिखाई नहीं देते। और रही बात कास्ट की तो शाहरुख भाई है, कैटरीना कैफ है, अनुष्का शर्मा और टिग्मांशु दुलिया और बहुत सारे मतलब लोग हैं। और रही बात स्पेशल अपीयरेंस की, बहुत सारे स्पेशल अपीयरेंसेस देखने को मिलेंगे आपको। और सलमान खान, दीपिका पादुकोण और रानी मुखर्जी, काजोल, आलिया भट्ट और श्रीदेवी, करिश्मा कपूर और जूही चावला। और रही बात प्रोडक्शन की, राय ने जीरो बनाने का फैसला किया क्योंकि वह लोगों के अपूर्णता को मानते हुए कह रहे थे कि कमियों और अपूर्णता में सौंदर्य है। फिल्म के शुरुआत में कैटरीना मेरी जान थी, हालांकि यह निर्णय बाद में खत्म हो गया क्योंकि निर्माता ने सोचा कि शीर्षक भी लोगों को गुमराह किया जाएगा और उन्हें लगता है कि फिल्म कैफ के बारे में हो सकता है। प्रोडक्शन के बीच कई अपावन तीन की फिल्म को भेंदुआ या बटाला कहा जाएगा। और रही बात फिल्मिंग की, फिल्म के प्राध्यात्मक फोटोग्राफी में 2017 में मुंबई में शुरुआत हुई और जून 2017 में कान के खुलासा की तब तक केवल 10 मिनट का फुटेज पूरा हो गया था। कैफ 12 सितंबर 2017 तीन में शामिल हो गए और अनुष्का ने सितंबर में अपने भाग को संक्षिप्त में फिल्माया, लेकिन विराट कोहली के साथ अपने विवाह के कारण ब्रेक ले लिया। कान के चरित्र तो 3 फुट लंबा बनाने के लिए दृश्य प्रभावों का भारी इस्तेमाल भी किया गया है। और रही बात कास्टिंग की, शाहरुख खान जीरो कहलाता है जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए 3 फीट है। राय ने प्रमुख भूमिका निभाए क्योंकि उन्हें विशेष स्टार पर घुसाना करने के लिए खाने के लिए एक बार स्टार की जरूरत थी। उन्हें एक बुद्धिमान अभिनेता के जरूरत है जो कि खुश सुखे भाग्यशाली रवैया भी ले सकता है, जिसका अनुसार कान के पास उन गुण है। अनुष्का शर्मा एक अलग तरह से विकलांग व्यक्ति कहलाएंगे और कैटरीना कैफ एक अभिनेत्री की भूमिका को चरित्र करेंगे। शर्मा के तरह कैफ को उनकी स्टारडम के वजह से भूमिका पेशांक के गई थी, लेकिन यह राय के अनुसार भूमिका और निभाते
है। और तिग्मांशु दुलिया कान के पिता को चरित्रित करेंगे। अब सुनकर उन्हें इस परियोजना में रुचि दिखाई। इस फिल्म में सलमान खान और दीपिका पादुकोण, जैसे मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, और रानी मुखर्जी, काजोल, आलिया भट्ट, श्रीदेवी, करिश्मा कपूर और जूही चावला के स्टार अतिथि उपस्थित होंगे, जो खुद को रखेंगे या एक 9 वर्षों में पहली बार होगा जब कुछ होता है 1998 के बाद रानी, काजोल और कान एक साथ एक स्क्रीन में दिखाई देंगे। जीरो फिल्म रिलीज होने वाला है 21 दिसंबर 2018। मुझे पता है आज तो 2 जनवरी 2018 है, मतलब लगभग एक साल अभी तक बाकी है। तो दोस्तों, ये था थोड़ा मतलब जीरो मूवी के बारे में। लगता है कि मतलब आपको मेरा मतलब बात करने की स्टाइल पसंद आया होगा। जो भी है नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं तो यूजुअली इंग्लिश रिव्यूज बनाता हूँ और हिंदी में तो ये तो मेरा पहला प्रयत्न है, और आपके जो भी सजेशंस होंगे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और मैं जरूर आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो दोस्तों, ये थी मूवी के बारे में, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आप इस चैनल के लिए फर्स्ट टाइम आए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको सारे मूवी रिव्यूज, रिएक्शन वीडियोस, व्लॉग के बारे में आपको पता चले। और अगर आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आए तो घंटी बजाने का बोलिए। तो इतना ही बस कहकर आपसे मैं मुक्त लेना चाहता हूं। So that's it guys, that's it in this video. Let's catch up in our next video. Until then, फिर मिलते हैं। Have a nice day. Bye-bye.